की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी के बुधपाक में उत्तराखंड क्रांति दल के जिला संयोजक दिनेश चंद्र भट्ट की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा देवभूमि उत्तराखंड को अभद्र भाषा का प्रयोग कर कलंकित करने वाले विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन को दोबारा भाजपा में शामिल करने पर भाजपा विधायक का पुतला दहन किया गया। जिला संयोजक दिनेश चंद्र भट्ट ने कहा कि जिस विधायक द्वारा पूर्व में देवभूमि उत्तराखंड को अभद्र भाषा बोलकर कलंकित किया गया था, उसी को भाजपा सरकार ने आज पार्टी में शामिल कर देवभूमि उत्तराखंड की जनता को अपमानित करने का काम किया है। पूर्व केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा जिस विधायक को पार्टी से भाजपा अपना अनुशासन दिखाकर 6 वर्ष के लिए निष्कासित करती है, उसी को 13 महीने बाद पार्टी में शामिल कर अपना असली अनुशासन व असली चेहरा उजागर कर दिया है। पुतला दहन कार्यक्रम में पार्षद रवि वाल्मीकि, योगेश तिवारी, राकेश भट्ट, पवन कुमार, राहुल नेगी, गर्वित जोशी, प्रतीक मेहरा, सतीश कांडपाल, ज्योति काजल रावत, फुरकान अहमद, मोहम्मद इरफान, कंचन जोशी, रमेश पंत, महेश पंत, उत्तम सिंह, आशु सिंह, योगेश गौड़, अध्यक्ष सुरेश जोशी आदि लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। उत्तराखंड क्रांति दल शुरू से ही जब चैंपियन साहब ने जो है देवभूमि उत्तराखंड को गाली गलौज की थी, तब भी उत्तराखंड क्रांति दल ने सबसे पहले विरोध किया था, और आज फिर दोबारा भाजपा सरकार ने ऐसे विधायक को फिर दोबारा शामिल कर लिया जिसने उत्तराखंड देवभूमि को अभद्र भाषा के साथ प्रयोग किया और उसको दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया। और उत्तराखंड क्रांति दल बार बार इस बात का विरोध करते आया है कि भाजपा की कि तुमने जो है ऐसे विधायक को दोबारा पार्टी में शामिल किया है, और उत्तराखंड क्रांति दल हर हमेशा इस बात का विरोध करता ही रहेगा जब तक चैंपियन जैसे विधायक भाजपा में रहेंगे, और उसके साथ साथ में हम भाजपा भी उसी तरह खलनायक के रूप में काम करी जिस तरीके से चैंपियन ने उत्तराखंड में अभद्र भाषा का प्रयोग किया। आपसी गुटबाजी रही, क्या कारण रहा? मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि नेताओं के बीच में आपसी गुटबाजी के कारण यूकेडी खड़ी नहीं हो पाई। देखिए, इस उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड राज्य बना है कभी राष्ट्रीय विचारधारा के राष्ट्रीय सोच पर भाजपा की सरकार बनी, कभी कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक कि उत्तराखंड के जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं उन पर काम नहीं होगा। जैसे राजधानी गैरसैंण का मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर हम जो है पहले से ही प्रयासरत है। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमने आज तक की जो जितने भी चुनी हुई सरकारें थे इस बात के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने मजबूर कर दिया कि राजधानी आप गैरसैंण में बनाएंगे। हमने जो है उत्तराखंड क्रांति दल ने जहाँ एक और भाजपा की सरकार और कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड की राजधानी स्थायी राजधानी देहरादून में बनाने जा रहे थे, तब भी हमने इस बात का विरोध किया जब तक उत्तराखंड राज्य की राजधानी गैरसैंण नहीं बनेगी तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये उत्तराखंड क्रांति दल का सपना है, ये उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड क्रांति दल एक राज्य स्थापना के विचार को लेकर खड़ा हुआ था और एक आंदोलनकारी दल था। आंदोलनकारी दल होने की वजह से उसके पास इतने संसाधन नहीं थे जो एक राजनीतिक दल के पास होने चाहिए, लेकिन हम फिर भी बिना संसाधनों के अपनी आवाज़ बुलंद रखेंगे और उत्तराखंड राज्य की जो बेसिक बुनियादी सवाल हैं उनके लिए लड़ते रहेंगे। यही हमारा नारा है, यही हमारा संघर्ष का रास्ता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने परवर सिंह चैंपियन का पुतला फूंका है और इसे आज भाजपा ने अपना चाल चरित्र और चेहरा जो है जनता के सामने जो बोलती थी हम चरित्रवान पार्टी हैं, आज उन्होंने पूरा उत्तराखंड के जिसने चीरहरण किया, जिसने उत्तराखंड को पूरी गालियां बकी, माँ की बहन की ऐसी ऐसी गालियां बकी कि जो जिससे उत्तराखंड पूरा उत्तराखंड का समाज जो है कलंकित हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और नैनीताल उधम सिंह नगर के लोकसभा सांसद बोलते हैं कि वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, क्या बंदूक लगाने से विद्वान हो जाता आदमी,
हमारी उत्तराखंड की पुलिस को बोलता है कि नपुंसक पुलिस है। क्या मतलब सरकार ऐसे विधायक को पार्टी में माला पहना के उसका स्वागत कर रही है जैसे कि उसने पता नहीं क्या विश्व युद्ध जीते हो। तो उत्तराखंड क्रांति दल अगर आता है तो ऐसे विधायकों को ऐसे लोगों को उत्तराखंड की सीमा से खदेड़ने का काम करेगा।